नमस्कार, खबर प्रादेशिक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौहान। बुलेटिन शुरुआत करते हैं। हरियाणा के अंबाला में बीते दिनों मुलाना हलके की विधायिका संतोष सारवान की गाड़ी को हथियारबंद युवकों द्वारा रोकने का मामला फर्जी साबित हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अंबाला पुलिस की तफ्तीश में जो तथ्य निकलकर सामने आए हैं, उससे जहां बीजेपी विधायिका द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत का एक एक शब्द झूठा साबित हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर खट्टर सरकार के मंत्री और विधायकों के बीच की आपसी खींचतान और फूट भी सामने आ गई है। ये इसमें हमारी CIA 1 इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इसमें हमें 2 CCTV फुटेज भी उगाला चौक पे और रास्ते के मिले थे। तो उसमें जो मैडम ने हमें सीरीज का नंबर दिया था, तो हमने वो सभी कारों की लिस्ट निकाली थी और उनमें से हमने जो उनके पीछे कार चल रही थी वो हमने आइडेंटिफाई कर ली है। उसमें जो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर हैं साहा के, वो क्योंकि मैडम को उनसे मिलना था तो वो उनके पीछे जा रहे थे, और इसीलिए उन्होंने, क्योंकि मैडम की गाड़ी तेज़ थी तो उन्होंने बीच में तो रोक ही नहीं जा सकती थी, तो उन्होंने आगे जाके 1.5 किलोमीटर आगे जाके लेफ़्ट साइड में गाड़ी लगा ली थी, जिससे कि मैडम अगर उनसे बात करना चाहे तो वहाँ रुक के बात कर ले या फिर वो उनको देख लें, जिससे कि उनकी मैडम को नोटिस में आ जाए कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। इन्होंने वहाँ निशानदेही भी करवा दी है, जो हमारे जिस जगह इन्होंने रोकी थी, और वो वही जगह है जहाँ पे मैडम भी बताते हैं कि एक स्विफ्ट गाड़ी रुकी हुई थी। ये कहते हैं कि फिर मैडम की गाड़ी वहाँ आई नहीं थी, उन्होंने शायद 150-200 मीटर पहले ही वहाँ से यू टर्न ले लिया था क्योंकि उनको डाउट हुआ था। पर फिर भी अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्योंकि जो इन लोगों को मैडम से भी मिलवाया था तो वो इनको तो आइडेंटिफाई नहीं करती, वो कहती हैं वो कुछ कोई और लोग थे।